मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही महिलाओं की सुरक्षा व उनके हर क्षेत्र में अव्वल लाने का दावा करते हों, लेकिन राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल छोटा बैरसिया में देखने को मिला, जहाँ पर स्कूल प्राचार्य प्रभारी द्वारा महिला शिक्षिका को पिछले एक साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शासकीय हाई स्कूल छोटा बैरसिया में पदस्थ शिक्षिका किरण गुर्जर का वर्ग 2 से हिंदी विषय से संविलियन में नियुक्ति के आदेश है, मगर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य महेश राठौर द्वारा पिछले एक साल से शिक्षिका पर दबाव बनाकर दूसरा विषय पढ़ाने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत किरण गुर्जर सीएम हेल्पलाइन, जिला शिक्षा अधिकारी व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी कर चुकी हैं, मगर आज तक शिक्षिका की शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है। इसके चलते शिक्षिका किरण गुर्जर दिमागी व मानसिक तनाव के कारण पिछले एक माह से बीमार हैं। जानकारी के अनुसार प्राचार्य महेश राठौर द्वारा एक अन्य शिक्षिका दीपाली गुप्ता से हिंदी विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है, जबकि शिक्षिका का नियुक्ति आदेश सामाजिक विज्ञान का है। मामले में शिक्षिका किरण गुर्जर का कहना है कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने अवकाश लेना चाहा तो प्राचार्य ने अवकाश निरस्त कर दिया, जबकि संस्था में पदस्थ एक और शिक्षिका दीपाली गुप्ता लगातार 3 वर्षों से अवकाश पर हैं।